हेलो दोस्तों, हाउस फॉर यू के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये मकान आपको मिलेगा मात्र 22,50,000 में, और ऑन टेबल जो होगा वो कम करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। दोस्तों, ये कहाँ पर है, क्या है, सब कुछ बताऊँगा मैं आपको। वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी को ऑन कर दो ताकि जब भी नई वीडियो आए घंटी आपके फ़ोन में ज़रूर बजे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करके वहाँ पर भी आप अपडेट सबसे पहले ले सकते हैं। अब इस हाउस की बात करें, अगर छोटा मोटा आपने देख ही लिया होगा, अब हम चलेंगे घर के अंदर। इसमें आपको 1 BHK नीचे मिलेगा और 1 BHK ऊपर मिलेगा। यह आपका रीसेल हाउस है, UIT कन्वर्टेड है। 13-14 लाख के आसपास आपका लोन आराम से हो जाएगा इसके ऊपर, और उसमें जो भी कम होगा वो मैं ज़रूर करवाऊँगा। पेंट वगैरह बिल्कुल प्रॉपर कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आ जाओ और आज रहो। रही बात कि ओनर, तो ओनर बाय कास्ट ब्राह्मण है। ये आपका किचन हो गया नीचे। अगर आपकी स्मॉल फैमिली है तो आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाला ही है, जस्ट बिकॉज कि अगर आप ऊपर रहते हैं तो नीचे रेंट पे दे सकते हैं, और नीचे रहते हैं तो ऊपर रेंट पे दे सकते हैं आप। अभी मैं आपको हर एक चीज़ दिखाते हुए चलूँगा, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ये हो जाएगा आपका वॉश बेसिन जो आप देख ही रहे हैं, और यहीं आपका वॉशरूम भी है इसके अंदर। ये आपको और स्पेस मिल जाता अलग से, जो कि आप देख ही रहे हैं। आराम से, कोई स्मॉल फैमिली है उसके लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि भैया 22-23 लाख में, 24 लाख में मकान बताओ, तो ये बेस्ट चॉइस है। आप आए, आप देखें, समझ में आता है, आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लोन करवाना, लोन करवा के आपको मैं दूंगा, आपको कहीं पर भी नहीं दौड़ना है। हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, बस आपको ये सोच लेना है कि अगर आप मेरे से कुछ ले रहे हैं तो आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है, ना कोई आपको हिडन चार्जेस देने हैं, एक रुपया कोई एडवांस नहीं देना है। अगर आपको आज से 5 साल या 10 साल बाद भी पता चलता है कि मुकुल जोशी ने 1 रुपया भी खाया है, तो मैं 500 रुपये के स्टाम्प पर लिख के देता हूँ कि आप 5 साल बाद या 10 साल बाद आके भी वो 1 रुपये भी मेरे से ले सकते हैं। अगर इसके अलावा भी किसी को भरोसा नहीं हो तो उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर भी आपको सेम सिचुएशन जैसा कि नीचे था, एक रूम किचन, वो आपको ऊपर भी मिल जाएगा। इसको आप हॉल और रूम दोनों को एक साथ ही माने, अच्छा स्पेस है। आप देख सकते हैं डबल बेड लगा हुआ है। जिन लोगों का कंसर्न रहता है कि भैया डबल बेड लगेगा नहीं लगेगा हमारा, तो डबल बेड अभी लगा हुआ है। यहाँ पर भी आपको वॉशरूम इसके साथ ही अटैच मिलेगा, तो मतलब नीचे वाले का अलग हो गया और ऊपर वाले का अलग हो गया। यहाँ पर मैं किचन भी आपको दिखाऊँगा अभी एक बार, उससे पहले एक बार आप ये सब चीज़ें देख लीजिए। मैं आपको एक बार वॉशरूम दिखा देता हूँ, देन उसके बाद किचन, फिर हम चलेंगे ऊपर की तरफ, और फिर इस वीडियो की समाप्त करेंगे। इसमें प्राइस मैंने इसलिए पहले बताई है ताकि आपको थोड़ा सा उसमें आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में क्या क्या मिलने वाला है 22.5 लाख में, तो आप थोड़ा अंदाजा लगा पाओ। ये आपका वॉशरूम आप देख सकते हैं, डिसेंट साइज का है। अब हम चलते हैं किचन की तरफ, देन वहाँ से शिफ्ट होंगे हम ऊपर की तरफ, और फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। ये आपका किचन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। देखो, आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आती है कि भैया 22.5-23 लाख में, 24 लाख 25 लाख में आप सिटी के अंदर मकान लेके आओ, वो भी 1000 स्क्वायर फीट, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई फंसा हुआ व्यक्ति दे रहा हो तो उसकी मैं बात नहीं करूँगा, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कहीं पर भी जाएंगे लगभग आपको 3-3.5-4 हज़ार की रेट आपको ज़रूर मिलेगी। तो अगर प्लॉट की रेट ही ये है तो बताओ कि इस रेट में आपको कहाँ से क्या मिलने वाला है। अब हम चलते हैं टेरेस के ऊपर। ये आपकी वॉशिंग मशीन आप देख रहे हैं, स्पेस आपको अच्छा मिल जाएगा, छोटी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, अगर आप चाहें वापस अगर आपको रिकन्स्ट्रक्शन करवाना तो वो भी करवा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। UIT कन्वर्टेड है, तो लोन में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बात करूँ इसकी
जगह की तो सकता 14 में पड़ेगा आपको, सोलका भवन के पास। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।